पहला हो गया ए कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकेंड हम लोग का ए जो 9th में जो तुम लोग पढ़ा था, और अभी हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा के थोड़ा और मतलब हायर लेवल तक लेकर के जाएंगे। उसके बाद हम लोग का स्टार्ट होता है स्ट्रेट लाइन। हाँ, अभी जो तुम्हारे बुक में जो दिया है वो स्ट्रेट लाइन से शुरू किया है, लेकिन हम लोग करेंगे कार्टेजियन से। थ्योरी जो लिखवाएंगे वो पहले उसका। उसके बाद हम लोग का आता है सर कैलकुलस, नहीं पूरा कैलकुलस मत बोलो, इंटीग्रेशन उसका जो पार्ट है ना, उसमें 3 चैप्टर है, एक लिमिट, हाँ जानता हूँ, एक हाँ डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। एक तो ए वाला जो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, ये दोनों काफ़ी इजी है। और कुछ भी टफ नहीं है मैथ में, और कोई भी मतलब चैप्टर करो ठीक ही है। पैराबोला है और एक तो हाइपरबोला है। हाइपरबोला ए लास्ट हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग को पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स छूट गया ना, यहाँ पर हो जाएगा क्या बोला सर? इलिप्स छूट गया था। ए तो में लिस्ट लिख लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। हाँ, ए तुम टाइटल लिख लो सबसे पहले कॉपी पर, इतना चीज़ हम लोग को करना है। फर्स्ट चैप्टर कार्टेजियन, इसमें देखो पहला चैप्टर कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा चैप्टर स्ट्रेट लाइन, तीसरा सर्किल, चौथा पैराबोला, पांचवा इलिप्स और छठा हाइपरबोला। और ये सारा का सारा आता है किस बुक के अंदर? कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक बुक आता है, ऐसे तुम लोग को एक ही में दे दिया है सारा एरियंथ वाला में, नहीं तो अगर लेने जाओगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक अलग बुक आता है। हाँ, अलग बुक में तुम्हारा एक तो केसी सिन्हा का आता है जो ठीक ठाक बुक है, और एक तो आता है अमित एम अग्रवाल का, ये आता है एरिहंत का। तो वो सब उतना ज़्यादा अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो एक बुक करेंगे उसके बाद दूसरे बुक पर जाएंगे हम लोग। केमिस्ट्री तो हमको तो बिल्कुल समझ में नहीं आया था, केमिस्ट्री तो मेरा पूरा वीक ही रह गया था। तो वही थोड़ा सा मेरा भी हालत तो वही था बहुत, तो केमिस्ट्री इसलिए वैसे भी देखते मैंने सुना हो। है केमिस्ट्री में सबसे हाँ, वो स्कोरिंग पेपर है तुम्हारा। अभी हम तुम्हारा जो स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले इलिप्स स्टार्ट करेंगे। सर मतलब पैराबोला के बाद एलिप्स है, हाँ, पैराबोला के बाद उसके इलिप्स बाद है, फिर उसके बाद हाइप। देखो इसका बेसिक थ्योरी हम बताते हैं, उसके बाद देखना तुम, पता चलेगा कि पहले तो नाइन्थ। स्ट्रेट लाइन है, पहला चैप्टर स्ट्रेट लाइन है। पहला चैप्टर ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन हम पहला चैप्टर से नहीं करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं तुमको पाँचवा चैप्टर से। पहले पाँचवा छठा कर लेंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। तो मैंने जो टाइटल में द स्ट्रेट लाइन लिख हाँ, दिया। टाइटल में तुम ये सारा ही रखो, टाइटल ये ठीक है। उसके बाद नीचे जो कॉपी में लिखोगे वहाँ पर लिखोगे इलिप्स, और ये हम लोग का या फिर नंबर। तो मैं चैप्टर 20 का एलिप्स से शुरू कर देता हूँ ना, हाँ चैप्टर जो अलग दिया हुआ है ना, तो एलिप्स लिख देता हाँ चैप्टर इलिप्स का। कर लो। इलिप्स, हाँ 11th में है ये वाला चैप्टर। इलिप्स होता क्या है, इसका थोड़ा डिफिनेशन लिखो। एन इलिप्स इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, इज द सेट ऑफ पॉइंट्स हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स Whose distances from two fixed point? इन द प्लेन, नहीं फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन हैव ए कॉन्स्टेंट सम, द टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर, ये अगला पॉइंट लिख लो, ना ना इसी में लिखो, द टू टू फिक्स फिक्स्ड पॉइंट्स आर। पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकी, FOCI, फोकी, ये फोकस का प्लूरल है, फोकस जैसे पढ़े हो ना वो हाँ लाइट में, अच्छा लाइट में है, उसी का प्लूरल है फोकी, क्योंकि डॉट हो गया ना, फोकी ऑफ द, कॉल्ड फोकी ऑफ द इलिप्स। ये अबे फोकी तो सर ये उसमें भी दिया, अच्छी और में भी चैप्टर दिया हुआ है, फोकी है लोकी है लिखा से पता नहीं क्या, हाँ, फोकी नहीं होगा, फोकी नहीं है, फिजिक्स में नहीं लोकी है, लोसी LOCI भी एक चैप्टर लोकस। है हाँ, उसमें। लोकस का प्लूरल होगा, जैसे फोकस का प्लूरल फोकी होता है ना, उसी तरह से लोकस का प्लूरल होगा। अब देखो यहाँ पर ये होता है इलिप्स का फिगर, इस टाइप का वो दिखता है, और इसमें दो ठो फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये दो फिक्स्ड पॉइंट हो गया। और अगर यहाँ पर हम लोग इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर अपना पेन रख लो, ठीक है, पेन रख करके ए वाला जो लेंथ है ना, L1 + L2, इसको फिक्स रखो, इसको बढ़ाना घटाना नहीं है, L1 और L2, L1 + L2 बराबर फिक्स्ड कांस्टेंट। अब इसको लेकर के पेन ये को ड्रॉ करना घुमाओ। सर फिगर, हाँ, ये फिगर ड्रॉ करना है, ड्रॉ करो अपने हिसाब से। पेन को घुमाएंगे तो ये फिगर बन करके रेडी हो जाएगा, जिसको हम लोग इलिप्स बोलते हैं। और जो फोकस हम लोग बोल रहे थे ना कि दो थो फोकी होगा, वो फोकस एक हो गया ए, जिसको हम लोग S1 बोलेंगे, और ए हो गया दूसरा, जिसको हम लोग S2 बोलेंगे। दो इसका फोकस होता है। हाँ, ए इलिप्स का फिगर हुआ, और S1 और S2 इसका दो फोकस हुआ। हाँ, और अगर इस लाइन को हम लोग मिला दें तो ए इसका एक्सिस हो गया, S1 और S2 फोकस हो गया, और एक्सिस हो जाएगा, दो ठो एक्सिस होगा, एक ए वाला हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल एक्सिस होगा, इसको एक्सिस बोलेंगे। ये दो ठो
एक्सिस हो गया। तो इस एक्सिस का भी नाम है, इसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये माइनर छोटा है ना, इसलिए माइनर इसको बोलेंगे। अच्छा, ये वर्टिकल वाले को माइनर बोलते हैं। और इसको बोलेंगे मेजर, क्योंकि ये बड़ा है, हॉरिजॉन्टल वाला जो है। अपने हिसाब से भी मैं कुछ कुछ लिखता रहता हूँ। हाँ, और समझने के लिए जो तुमको लगा कि समझ जाए हाँ, लिखने जो से। मुझे लगे नोट करने लायक हो। हो गया, अब इतना हो गया। उसके बाद और दो ठो और लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जो फोकस होकर के पास करता है और बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है इस पर, एक्स एक्सिस पर। जैसे एक लाइन ए वाला ले लो, एक ए वाला हो गया। मैं एक और फिगर बनाए तो एक ही फिगर में सब बनाऊंगा तो आज पास होगा। हाँ, तो दो ठो कर लो ये दोनों का, दोनों लाइन जो होता है ना फोकस होकर के पास करता है और एक्सिस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। और इसका नाम हम लोग देते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ये ब्लैक वाला, दोनों के दोनों फोकस से पास कर रहा है और बिल्कुल एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग लेटस रेक्टम बोलेंगे। लेटस रेक्टम हो गया, एक्सिस मेजर मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा और फोकस से होकर के पास करेगा। तुम ये लिख सकते हो कि इट ऑलवेज पासिस फ्रॉम फोकस एंड रिमेंस परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, रिमेंस परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। ए वाला हॉरिजेंटल वाला मेजर है ना, बड़ा है, बड़ा वाला को मेजर बोलेंगे। हाँ, पैरेलल माइनर एक्सिस का है। पैरेलल अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कि इट बिकम्स पैरेलल टू माइनर एक्सिस। और मेजर एक्सिस के लिए क्या था? परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। उसके बाद दो लाइन और ड्रॉ कर रहे हैं। ए देखो, एलिप्स से बिल्कुल बाहर है और ए बिल्कुल पैरेलल है हमारा माइनर एक्सिस के और परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस पर। इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ए वाला कल आएगा डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं सर? डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTRIX, डायरेक्ट्रिक्स। और इसमें एक चीज और होता है, अगर हम लोग एस से एक लाइन ड्रॉ करें जो इस पर कहीं पर भी मिल सकता है, ठीक है, मान लो कि ये किसी पॉइंट पी पर मिल रहा है और इस लाइन को यहाँ से फिर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो जो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये जो ए वाला तो हमारा एस है, ए पी है, और इस परपेंडिकुलर का नाम अगर हम लोग एम दे दें तो ए जो रेशियो होता है ना हमेशा कांस्टेंट होता है। एस पी का डिस्टेंस निकालो और पी एम का डिस्टेंस निकालो, तो एस पी बाई पी एम जो होगा वो हमेशा इक्वल टू ई होगा। ई ई का वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच में, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा। इसेंट्रिसिटी इसको बोलते हैं। डायरेक्ट्रिक्स बिकम्स पैरेलल टू माइनर एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द मेजर मेजर एक्सिस। हाँ, अभी ये लाइन ड्रॉ कर लेना डॉट डॉट करके, और एस पी बटा पी एम जब भी होगा हमेशा फिक्स्ड होगा और वो ई के बराबर होगा। और लाइन कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमेशा वो ई के बराबर ही होगा। यहाँ पर भी ऐसे अगर ड्रॉ कर दें तो ए भी हमारा एस पी बाई पी एम ई के बराबर ही होगा। रेशियो जब भी लेंगे तो हमेशा ई के बराबर। मतलब हिस्ट्री इस समय ज्यादा तुम लोग का है? अरे सर, तीन को ना, जैसे SST का टोटल उन लोगों को मेरे ख्याल से 12 से 13 ही चैप्टर। अच्छा, सीबीएसई और हम लोगों का 10 हिस्ट्री में होगा, 6-7 लगभग सिविक्स में होगा और 20 चैप्टर ज्योग्राफी में होगा। फिर तो ये तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। और फिर ICSE, और फिर ICSE भी छोड़ भी नहीं सकते। ICSE से मतलब काफी ज्यादा लेवल पे भी बेनिफिट होता है। इसके बाद लिखना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। ये फिगर वापस ड्रॉ करना है? हाँ, नीचे वाला जो फिगर ड्रॉ की वो करना है। पहले तो हेडिंग लिख लो, पहले हेडिंग लिख लो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, क्योंकि इसका तो कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। तो इसका जो हम लोग का इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ दिखे तो समझ लेना कि वो बात कर रहा है इलिप्स के बारे में। अच्छा,
जब सर्किल का इक्वेशन कैसा होता है, सर्किल का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ऐसा कहीं पर लिखा दिखे तो समझ लेना कि वो सर्किल के बारे में बात कर रहा है। तो सर्किल तो अभी बाद में पढ़ना है, हम लोगों को अभी पढ़े नहीं है। सर इस फिगर में कुछ करना है क्या अभी? हाँ ये फिगर ड्रॉ करो, इसमें लिखेंगे कुछ कुछ पॉइंट लिखना है। ठीक है अब इज इक्वल टू वन, हाँ अब और एक क्या इक्वेशन है, ऑफ एलिप्स है। हाँ ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। अब देखो इस इक्वेशन से हम लोग क्या क्या पता कर लेंगे, इस इक्वेशन से हम लोग ये पता कर लेंगे कि इसका जो फोकस है उस फोकस का पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जिसको हम लोग एस वन नाम दिए थे, ये हो जाएगा ए ई और जीरो। समझा नहीं सर, ये जो पॉइंट होगा ना, जैसे अब कोऑर्डिनेट पर कुछ भी दिखाते हैं तो वो कुछ ना कुछ पॉइंट देता है, जैसे यहाँ पर मान लो चार पाँच, कोई और पॉइंट लेंगे दो अच्छा थ्री। अच्छा ओ समझ गया हाँ समझ गया। तो इस तरह से देखो, जब तो ए क्या है? पॉइंट जब हम यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा और एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए ई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो ए ई होगा। और तो ये ही और जीरो जीरो तो उस तरह इज द से। कोऑर्डिनेट्स। हाँ अच्छा एक चीज़ और, ऊपर में ए वाला यहाँ पर लिख लेना, ये जो पॉइंट है ना ऊपर में ए वाला, इसको वर्टिक्स हम लोग बोलते हैं, अच्छा ए वाला और ए वाला दो ठो वर्टिक्स होगा इसका, कौन सा वाला? ए पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है मार्कर पॉइंटर, हाँ, दिख गया। एक ठो ए और एक ठो ए वाला पॉइंट, इन दोनों को वर्टिक्स बोलेंगे। मतलब वो पॉइंट जहां से ये जो ये एलिप्स वाली पास कर मेजर रहा एक्सिस है। एंटर होती है, एंटर होती हाँ है और एग्जिट होती है जो पॉइंट हाँ है। मतलब मेजर एक्सिस और इलिप्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को अच्छा वर्टिक्स बोल। तो देखो यहाँ पर ए पॉइंट हम लोग का ओरिजिन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको जीरो जीरो बोलेंगे, ओके और उतना ही जब लेफ्ट जाएंगे तो ए वाला कितना हो जाएगा, माइनस ए ई और जीरो, माइनस ए ई और जीरो। तो ए तो हो गया फोकस का बात। अब वर्टिक्स, वर्टिक्स का पॉइंट कितना होता है, तो ए वर्टिक्स जो हमारा आएगा वो ए जीरो, ए वाला होता है ए जीरो, और ए वाला हो जाएगा माइनस ए जीरो, माइनस ए अच्छा, जीरो। और माइनस ए और जीरो, और ये हो जाएगा ए और जीरो। ठीक है, उसके बाद ए जो डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट आता है, ए हम लोग का होता है ए बटा ई और जीरो, इधर राइट साइड में हो जाएगा ए बटा ई और जीरो, लेफ्ट साइड में हो जाएगा माइनस ऑफ ए बटा ई और जीरो। ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए और जीरो, एस एस वन वन, का ए और जीरो, एस वन का ए ई और जीरो, अच्छा, और एस टू का, माइनस ए ई और जीरो, लेफ्ट और साइड में है एस बस थ्री उतना ही का डिस्टेंस है, बस लेफ्ट है तो यहाँ पर माइनस साइन ऐड कर दिए। और जीरो। ओके, एस टू का हो जाएगा माइनस ए और जीरो। ठीक है, और सर ये किसका था? कौन ए और जीरो था ना ये इसका, और ये क्या कहते हैं वर्टिक्स वो वर्टिक्स, इसका। हाँ वर्टिक्स ए और जीरो, ए जीरो और लेफ्ट साइड में माइनस ए जीरो। ए जीरो एंड लेफ्ट साइड माइनस ए जीरो। माइनस ए और जीरो। ठीक है, वर्टिक्स का भी हो गया, अब एस वन एस टू भी हो गया, अब ये ओरिजिन, ओरिजिन हो इन्हें क्या गया, कहते हैं हाँ सर? सेंटर, सेंटर हाँ हो सर, जाएगा ओरिजिन ओरिजिन जीरो जीरो। ओरिजिन इज इक्वल टू जीरो जीरो। और सर वो जहां से ये अपना मेजर एक्सिस एंटर करती है वो, और डायरेक्ट्रिक्स ना, उसको डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं उस पॉइंट को, और डायरेक्ट्रिक्स हमारा वो ए, पॉइंट, ए ये माइनस पॉइंट सर ए पॉइंट जिसका ए, माइनस ए और जीरो। हाँ ये तो वर्टिक्स ही है, वर्टिक्स ही दो ठो है ना, एक ठो राइट साइड में एक ठो हाँ लेफ्ट ठीक साइड में। है, हाँ तो मतलब ए और सर पे ए और जीरो वाला। अच्छा ए और जीरो लाओ तो फोकस था ना। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स जहाँ से कट कर रहे हैं वो क्या है, माइनस ए और जीरो और प्लस ए और जीरो। हाँ हो गया। उसके बाद ए वाला पॉइंट ऊपर वाला,
ए वाला हम लोग का होगा बी, एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना है, 0, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी, क्या सर? ये वाला जो ऊपर में है, 0 और बी, ए वाला पॉइंट। अच्छा, ये वाला पॉइंट 0 और बी और -0 और मतलब अच्छा 0 जीरो और और बी माइनस ये बी, ये वाला हो जाएगा 0 और माइनस बी। सर उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट का कोई नाम नहीं है, वो बस कट कर रहा है मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस जहाँ पर कट कर रहा है वाई एक्सिस के साथ, उसका कोई नाम नहीं है। उसको उसको मैंने ए जी दे रखा था नाम के लिए, हाँ ऐसे है, वो तुम ए अब बी दे रहा था। बता सकते हो मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा टोटल? क्या हुआ सर? मेजर एक्सिस का टोटल लेंथ कितना होगा? मेजर एक्सिस का टोटल लेंथ कैसे मतलब क्या? वही मेजर एक्सिस का टोटल लेंथ कितना होगा? तो टोटल लेंथ देखो, मेजर एक्सिस तुम्हारा ए वाला है ना, एक्स एक्सिस वाला, तो टोटल लेंथ ए राइट साइड में और ए लेफ्ट साइड में, ए और ए कितना हो गया, 2a। टू है हाँ। हाँ तो इसका टोटल लेंथ हो गया 2a, तो हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a। क्या लिखना था सर? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 2a। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनर एक्सिस माइनर एक्सेस तो सर क्या ले बी ले तो टू बी हो जाएगा। 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b। उसके बाद लेंथ ये लिख लेना, डिस्टेंस बिटवीन फोकी, दोनों फोकी फोकस, क्या चीज रहता है सर? मैं भूल फोकी चुका हूँ वही क्या रहता फोकस, है। फोकस का प्लूरल, हाँ तो कौन सा वाला पॉइंट फोकी होता है? S1 और S2 हाँ S1 और S2 ओके। वो फोकस था। हाँ उसका क्या सर? डिस्टेंस बिटवीन फोकी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन फोकी तो मेरे ख्याल से सर अगर हम फोकी को पॉइंट सी ले लेते हैं इधर तो ए, टू भी ए इधर राइट साइड में और ए लेफ्ट साइड में, हाँ अच्छा तो 2ae, 2ae। ई कौन सा पॉइंट दिया था सर आपने? क्या ई कौन सा पॉइंट दिया ई आपने? कोई ई पॉइंट पॉइंट पूछ नहीं रहा था है, ई कोई पॉइंट नहीं है, ए वाला जो पॉइंट था ए ही था, अच्छा फोकस वाला पॉइंट ए ही था, ई कोई पॉइंट नहीं है, तो इन दोनों के बीच ए ही हम लोग राइट साइड में जाएंगे और ए ही लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो टोटल मिलाकर के 2ae हो गया। अच्छा डिस्टेंस बिटवीन 30 इज इक्वल और टू टू एस ए वन ई एस टू 2ae हो गया। और एक मतलब सर फार्मूला, कैसे कैसे गए मेरे को वापस एक बार बताना कैसे गए। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ था वो ए ई था, इसको दूसरा कलर से करते हैं, ब्लू ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग जो गए ए वाला लेंथ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए, और उतना ही ए लेफ्ट साइड में, क्योंकि ए पॉइंट ए ही है ना एक्स। हाँ तो ए और ए मिला करके 2ae हो गया। और उसके बाद एक फार्मूला और लिख लेना है, इसेंट्रिसिटी अगर ए और बी दिया हुआ है तो हम लोग ई का वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लिख लेना इसेंट्रिसिटी ई बराबर, ब्रैकेट में ई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। बाई ए स्क्वायर। और ये सर इसमें देखो तो साइन थीटा मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होती है ना इसमें? ट्रिग्नोमेट्री, हाँ अगर ज़रूरत पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं आया है, लेकिन यूज होता है, अगर करना चाहें तो कर सकते मैंने हैं। जितने भी एग्जांपल देखे सबने हर चैप्टर में तो हर जगह ट्रिग्नोमेट्री ही बनाई है अब देखो ए वाला एक सर। तो क्या बोलो, हाँ हाँ नहीं ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। ए वाला जो लेटेस्ट रेक्टम हुआ ना, लेटेस्ट रेक्टम का ए पॉइंट तो सेंटर वाला तो पता है, ए इंटू 0 होता है, इसका ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ना वो होगा तुम्हारा ए वाला, इसका एक्स एक्सिस कितना होगा, माइनस ए, और जो वाई माइनस ए एक्सिस होता है वो होता है बी स्क्वायर बाई ए। अच्छा अच्छा
उसी तरह से अगर नीचे वाला को लिखेंगे तो इसका एक्स एक्सिस जो होगा वो माइनस ए ही होगा, और वाई एक्सिस जो होगा वो होगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, क्योंकि नीचे है तो माइनस सी डी। ए हमारा लेटेस्ट रेक्टम था, माइनस ए एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए, वाई कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर बाई ए। और उसी तरह से और सर इसके अपोजिट वाले का क्या होगा? माइनस ए और माइनस बी स्क्वायर बाई ए। और राइट साइड में लेंगे तो राइट साइड में ए वाला क्या होगा, ए वाला का एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए, वाई कोऑर्डिनेट होगा बी स्क्वायर बाई ए, ए पॉइंट। और ए पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा माइनस प्लस ए, क्योंकि इधर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, और माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, सीडी का इतना हो गया और फिर डीसी वाले का हो जाएगा, डीसी वाले का हो जाएगा सर माइनस ए और माइनस बी स्क्वायर का ये, हाँ माइनस ए और माइनस बी स्क्वायर बाई ए, और उसी के साथ एमपी वाले ये हो गया। अब बताओ तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, टोटल लेंथ। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सर अगर हम ये वाला पॉइंट ई है तो सर टू ई होना चाहिए। 2a। देखो इसमें ऊपर कितना गया है, ऊपर गया है y एक्सिस ऊपर होता है ना, तो ऊपर गया है b स्क्वायर बाई a और नीचे भी गया है b स्क्वायर बाई a, तो टोटल हो गया 2b स्क्वायर बाई a, 2b स्क्वायर बाई a। a वाला लिख लेना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई a। टू बी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए। और सर ये जो हम लोग अभी ये 11th 12th में मतलब जैसे 12th में अगर मैं जो आईटीजी की प्रिपरेशन करूँ तो सर वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी मतलब प्रिपरेशन होगा या उसका बोर्ड एग्जाम्स का अलग है? नहीं तो आईटी के लिए कर रहे हो तो बोर्ड अपने आप निकल जाएगा, दोनों सेम ही होता है, बोर्ड बहुत इजी हो जाता है उस सब की तुलना में। नहीं भाई साइंस मैथ्स में तो काई नंबर करते हैं वो नहीं उसके नहीं अलावा करते हैं। वो कुछ नहीं, वो तुम जो आईआईटी का जब करोगे वो अपने आप ही हो जाएगा। लेटर सेलेक्टम भी हो गया। अब तो तुम ये सारा तो कंप्लीट हो गया, अब तुम इसको इतना ही रहने देते हैं। तुम इसको क्या करना कि खुद से बनाने की कोशिश करना, और सारा पॉइंट जितना पॉइंट हम लिखे हैं ना वो सारा पॉइंट खुद से लिखने की कोशिश करना, क्योंकि ये सबसे बेसिक है, ये डिफिनेशन है इलिप्स का। अब न्यूमेरिकल हम लोग का स्टार्ट होगा। मतलब जितना मैंने नोट्स बनाया उसको अच्छे से पढ़ लेना। हाँ उसको पढ़ना है अच्छा से, और खुद से लिखने की कोशिश करना है समझ करके, याद करने की कोशिश मत करना, मतलब समझ कर ही कोशिश करना। समझ, हाँ वो तो मैं समझ गया। ठीक है, और मैं नोट कर लेता हूँ, डायरी में नोट कर लेता हाँ हूँ। नोट कर लो, और ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो गया है, अगर चाहोगे तो हम कल वीडियो भी दे देंगे। भेज देना सर, बिल्कुल बिल्कुल भेज देना। और कल तो फिर